नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है, देर रात से झमाझम बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर में, और बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। कई इलाकों में जल भराव की भी समस्या हालांकि देखने को मिली। देर रात से ही दिल्ली एनसीआर में मौसम सुहावना हो रखा है, झमाझम बारिश हो रही है। हालांकि कई इलाकों में लोगों को जल भराव की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में मॉनसून ने दस्तक दे दी है, ऐसे में कई जगह पर झमाझम बारिश हो रही है। मुंबई में लोग बारिश का आनंद लेने के लिए समुद्री तट पर जा रहे हैं, लेकिन कभी कभार समुद्री तट के पास जाना खतरनाक हो सकता है। इस बीच जुहू चौपाटी के पास दो बच्चे समुद्र में आनंद लेने गए, लेकिन आगे जाकर वो दोनों डूबने लगे। मौके पर मौजूद सेंटा क्रूज पुलिस स्टेशन में तैनात कांस्टेबल विष्णु भाऊराव बेले ने अपनी जान जोखिम में डालकर बच्चों को बचाया। उधर हिमाचल प्रदेश में मॉनसून को लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार शिमला सहित प्रदेश भर में जमकर बारिश हुई, साथ ही आने वाले 3 दिनों के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। बीते 24 घंटे में शिमला के साथ प्रदेश के कई हिस्सों में भारी बारिश से नुकसान हुआ। इस दौरान लैंडस्लाइड की भी संभावनाएं जताई गई। हिमाचल प्रदेश में मॉनसून ने दस्तक दे दी है 24 जून 2023 को, और पिछले 24 घंटे में प्रदेश के हर जगह बारिश हुई है। इसमें हाईएस्ट रेनफॉल मंडी में कोटला में हुई है, और जहां तक आगे जो बारिश का प्रश्न है, आगे 3 दिन जो है प्रदेश में वाइड स्प्रेड बारिशें होंगी, उसमें 25 और 26 मुख्य हैं, क्योंकि इन दिनों जो है कुछ जिलों में हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल भी होने वाली है। मुख्य जिले जहां असर ज़्यादा होगा उसमें सिरमौर है, सोलन है, शिमला है, बिलासपुर, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, ऊना और चंबा, इन जिलों में ज़्यादा असर जो है आपको देखने को मिले। उधर पटना में 28 जून तक बंद रहेंगे स्कूल, भीषण गर्मी और लू के चलते स्कूल बंद रहेंगे, डीएम ने इसका आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, पटना में 28 जून तक स्कूल बंद रहेंगे, डीएम ने आदेश दिया है। दरअसल भीषण गर्मी और लू के चलते ये आदेश जारी किए गए हैं, 28 तारीख तक स्कूल बंद रहेंगे। पटना में उमस भरी गर्मी को ध्यान में रखते हुए पटना के जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना के सरकारी और गैर सरकारी स्कूलों को 28 जून तक बंद रखने का आदेश दिया है। इससे पहले 19 से 24 जून तक स्कूल बंद रखने के आदेश दिए थे, लेकिन शनिवार देर शाम जिलाधिकारी ने फिर से आदेश जारी किया और 28 जून तक स्कूल को बंद रखने का आदेश दिया। और अब खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में ट्रेन हादसा हुआ है। दो मालगाड़ियां दरअसल आपस में टकरा गई हैं और टक्कर के बाद कई डब्बे पटरी से उतर गए हैं। पश्चिम बंगाल में ट्रेन हादसा हुआ है, दो मालगाड़ियां दरअसल यहां पर आपस में टकरा गई हैं और इस टक्कर के बाद कई डब्बे पटरी से उतर गए। राहत बचाव कार्य वहां पर शुरू कर दिया गया है और दोनों डब्बे जो कि पटरी से उतर गए हैं वहां पर एक बार फिर से काम जो है वो शुरू कर दिया गया है। पटरी से हटाने की जो कोशिशें हैं वो शुरू कर दी गई हैं ताकि एक बार फिर से जो ट्रैक है वो चल जाए।
आप तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से दो मालगाड़ियां आपस में टकराई थी और उसके बाद जो डब्बे हैं वो पटरी से उतर गए हैं। ऐसे में यहाँ पर कार्य जो है वो शुरू हुआ है ताकि एक बार फिर से ट्रैक को क्लीन किया जा सके। आगे बढ़ते एक बड़ी खबर, मिस्र के दौरे पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मिस्र के दौरे का दूसरा दिन है। अमेरिका के बाद मिस्र के दौरे के लिए रवाना हुए थे प्रधानमंत्री, आज मिस्र दौरे का दूसरा दिन है और दूसरे दिन प्रधानमंत्री मोदी ने द्विपक्षीय वार्ता की है। शनिवार को पीएम मैट बॉली के साथ राउंड टेबल पर चर्चा की गई। आज राष्ट्रपति अल सीसी से मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती से भी मुलाकात करेंगे पीएम मोदी। मिस्र के बुद्धिजीवियों के साथ भी पीएम चर्चा करेंगे। अल हकीम मस्जिद का दौरा करेंगे प्रधानमंत्री। मस्जिद का दाऊदी बोहरा समुदाय ने नवीनीकरण किया है। हेलियोपोलिस युद्ध कब्रिस्तान का भी पीएम दौरा करेंगे। दोपहर 3 बजे भारत के लिए रवाना होंगे पीएम मोदी। तस्वीरों दौरान जब प्रधानमंत्री मिस्र पहुंचे थे, प्रधानमंत्री के मिस्र दौरे का आज दूसरा दिन है। यहां पर भारतीय समुदाय के कुछ लोग भी उनसे मुलाकात के लिए पहुंचे थे। चले आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर रूस से आ रही है। रूस में अब तख्ता पलट की संभावना खत्म हो गई है। बेलारूस के राष्ट्रपति ने डील करा दी है। वैगनर ग्रुप विद्रोह खत्म करने के लिए राजी हो गया है। अलेक्जेंडर लुकाशेंको की सलाह पर प्रिगोजिन राजी हो गए हैं। वैगनर चीन ने सैनिकों को दिया है रुकने का आदेश। वैगनर ग्रुप फिलहाल विद्रोह खत्म करने के लिए राजी हो गया है। रूस में जो तख्ता पलट की संभावनाएं थी वो अब खत्म हो गई हैं। बेलारूस के राष्ट्रपति ने दरअसल डील करा दी है। मॉस्को की ओर बढ़ने लगे हैं अब। वैगनर के लड़ाके अब नहीं जाएंगे मॉस्को। देखिए जिस तरह से वैगनर ग्रुप ने विरोध किया था, बगावत की थी, उसके बाद पुतिन की टेंशन बढ़ गई थी। अब ऐसे में डील करा दी गई है बेलारूस की ओर से वैगनर ग्रुप और रूस के बीच, या यूं कहें कि पुतिन के बीच, क्योंकि पुतिन की ये प्राइवेट आर्मी के तौर पर मानी जाती थी, प्राइवेट लड़ाके जो कि पुतिन के खिलाफ ही मोर्चा खोल चुके थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमृतसर से एक बड़ी खबर है जहां पर बीजेपी की आज विशाल रैली होनी है। कई दिग्गज नेता इस रैली में शामिल होंगे।
केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल भी शामिल हुए। करीब सभी लोग ऐसा मान रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार तीसरी बार रिपीट हो रही है, और ऐसी स्थिति में कुछ ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कि हम कैसे 24 में आए। इसलिए बेमेल समझौता, या जिनका स्टेट में वो लड़ते हैं, कभी वो सेंटर में भी लड़ते हैं, लेकिन पटना में जाकर के एक होने की कोशिश करते हैं, वो खाली फोटो सेशन जैसा है, कोई एकता नहीं है। उधर शनिवार को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी उज्जैन पहुंची, जहां उन्होंने महाकाल के दर्शन किए। स्मृति से पहले भी कई बार बाबा महाकाल के दर्शन के लिए आ चुकी हैं। दर्शन से पहले स्मृति इंदौर पहुंची, कई कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद रात को महाकाल मंदिर में पहुंचकर बाबा महाकाल का आशीर्वाद लिया। गर्भगृह में वो तकरीबन 15 मिनट तक रुकी, और यहाँ पर पूजा अर्चना के बाद स्मृति ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुझसे कई लोगों ने कहा कि दीदी महाकाल से कुछ मांग लो, लेकिन मैंने कहा कि बाबा का दर्शन मिले वही सब कुछ, बाबा के सामने कहाँ कुछ मांगा जाता है। वर्षों वर्ष तक बाबा के चरणों में मुझे सेवा मिला है, सेवक के नाते। आज मुझसे कई लोगों ने कहा दीदी कुछ मांग लो, लेकिन बाबा का दर्शन हो गया वही तो सबसे बड़ी जीवन में चीज हो सकती है, और बाबा के सामने कहाँ कुछ मांगा जाता है। बाबा ने आशीर्वाद दिया वही जीवन का सबसे बड़ा भाग्य है। वहीं विपक्षी दलों की बैठक पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा है। बड़ी खबर आपको बताई जा रही है, विपक्षी दलों की बैठक पर स्मृति ईरानी ने तंज कसा है। पटना में टूटी फूटी विपक्ष इकट्ठा हुई, निजी स्वार्थ के लिए एकजुट होने का प्रयास है। पटना में जिस प्रकार टूटी फूटी विपक्ष इकट्ठा हुई है, वो इस बात का संकेत है कि निजी स्वार्थ के लिए एकजुट होने का प्रयास कर रहे हैं। इनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत धमकी से हुई है। आम आदमी पार्टी का रुख आप सभी के सामने, जिस प्रकार से गांधी खानदान के वारिस का उपहास स्वयं लालू जी ने किया, वो बताता है कि विपक्ष के पास ठोस राजनीतिक आर्थिक मुद्दे नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, एक बड़ी खबर। बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। 27 जून को पीएम मोदी दिखाएंगे हरी झंडी। बिहार को वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात मिलने वाली है। 27 जून को पीएम मोदी से हरी झंडी दिखाएंगे। पटना और रांची के बीच चलेगी ये वंदे भारत ट्रेन। वंदे भारत के संचालन के लिए 27 जून का दिन है, ऐतिहासिक दिन है ये। एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन की रेलवे शुरुआत करने वाला है। 5 नए रूट पर वंदे भारत ट्रेन का दरअसल परिचालन किया जाएगा, और पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर इन 5 ट्रेन को रवाना करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया जाएगा, और पहली बार बिहार को वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी जा रही है। एक साथ 5 वंदे भारत ट्रेन की सौगात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं, और बिहार में ये पहली बार है कि बिहार को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलेगी। 27 जून को पीएम मोदी दरअसल हरी झंडी दिखाएंगे। पटना और रांची के बीच दरअसल वंदे भारत ट्रेन जो है वो चलने वाली है, और वंदे भारत ट्रेन की आपको बता दें संचालन 27 जून से शुरू होगा। ऐतिहासिक दिन के साथ 5 वंदे भारत रेलवे की ओर से दी जा रही है
और 5 नए रूट पर आपको बता दें वंदे भारत ट्रेन का परिचालन होगा। पीएम मोदी हरी झंडी दिखाकर 5 ट्रेन को रवाना करेंगे। सुबह 10:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन होगा और पहली बार बिहार को वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है। एक साथ 5 ट्रेन की सौगात कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने वाले हैं और सुबह 10:30 बजे आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सौगात दी जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज आगरा के दौरे पर रहेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और आगरा में जनसभा को संबोधित करेंगे। आगरा में जनसभा को भी संबोधित करेंगे राजनाथ सिंह। मोदी सरकार के 9 साल के कार्यकाल के पूरे होने पर ये जनसभा रखी गई है। फतेहपुर सीकरी लोकसभा क्षेत्र में जनसभा करेंगे, आगरा लोकसभा क्षेत्र में भी जनसभा की जाएगी। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी सभा में शरीक होंगी, केंद्र की योजनाओं के बारे में बताएंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर भारतीय जनता पार्टी देश भर में जनसभाएं कर रही है और इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आगरा में 2 जनसभाएं संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री यहां मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री फतेहपुर सीकरी क्षेत्र में कागारौल में जनसभा करेंगे। आगरा में भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जनसभा करेंगे, जिसकी तैयारियां जोर शोर से चल रही है। आज की इस रैली में उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी और केंद्रीय राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी भी भाग लेंगी। चलिए आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर की ओर। आज नोएडा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक नोएडा में ही रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। 1700 करोड़ की परियोजनाओं का लोकार्पण किया जाना है, विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी होगा। ग्रेटर नोएडा में एक निजी कंपनी का उद्घाटन भी करेंगे, जनसभा को भी संबोधित करेंगे। IAS टॉपर इशिता किशोर को भी सम्मानित करेंगे। इशिता के साथ 3 और अभ्यर्थियों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। शाम 6:30 बजे लखनऊ के लिए रवाना हो जाएंगे। इशिता के साथ 3 और अभ्यर्थियों को सम्मानित किया जाएगा। आज सीएम योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर रहेंगे। सीएम आज सुबह 10:30 बजे के करीब पहुंचेंगे और शाम 6:30 बजे तक नोएडा और ग्रेटर नोएडा में रहेंगे, परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे और एक जनसभा संबोधित करेंगे। इसके अलावा ग्रेटर नोएडा में भी एक कंपनी का उद्घाटन करेंगे। साथ ही संघ लोक सेवा आयोग में टॉप करने वाली इशिता किशोर को भी सम्मानित करेंगे। इससे पहले वो बांके बिहारी मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे मथुरा में और उसके बाद वो रवाना हो जाएंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।